डायनोसर का अंडा। रामेश्वर के घर लौटने वाला अंडा थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलते हुए टूटने लगा। उस अंडे के आवाजों से सोता हुआ रामेश्वर जाग गया। कुछ देर बाद अंडा टूटकर उसमें से डायनोसर का बच्चा बाहर निकला। उसे देखते ही रामेश्वर बहुत खुश हुआ। देखने में बहुत सुंदर और अच्छा सा लग रहा है, इसीलिए तुझे ना मैं छोटू बुलाऊंगा करके रामेश्वर के कहने पर वो डायनोसर खुशी से उछल उछल कर कूद पड़ा। उसे पास लेकर प्यार जताया। तुझे तो बहुत भूख लग रहा होगा ना, रुक जा, अंदर के दूध और फल लाऊंगा। बोलते हुए अंदर जाकर दूध और फल लाकर उसके सामने रखा और उसने दूध एक घूंट में ही खत्म कर दिया। फिर फल खाना भी शुरू किया। अरे छोटू, मुझे ना नींद आ रहा है, और तू भी फल खाकर थोड़ी देर सो जा। सुबह होने पर मैं जाकर तेल एरिए तरह तरह के आहार लाऊंगा, ठीक है करके बोलकर रामेश्वर को नींद आने पर वो सो गया। डायनोसर फल खाता रहा। दूसरी ओर भीमेश गुस्से से लाल हो रहा था। उसके घावों का बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था। अरे ओ रामेश्वर, तेरे अंडे से मेरे सर को फोटेगा तू? अरे ओ, तू नहीं जानता, अब तो तेरा काम तमाम होगा। ऐसे बोलते हुए बड़ी सी टोकरी के ऊपर का ढक्कन निकाला। उसमें से बाहर निकली हुई बड़ी सी सांप डसते हुए सो रहे रामेश्वर के पास गई। उसके शब्दों से, उन आवाजों से रामेश्वर उठ गया और उतनी बड़ी सांप को देखते हुए कांपने लगा और डरकर चिल्लाया, सांप सांप बचाओ बचाओ। उन आवाजों को सुनकर डायनोसर उठ गया और सांप से लड़ने लगा। ऐसे डायनोसर और सांप के बीच बहुत देर तक युद्ध हुआ। आखिरकार सांप मर ही गई। उस मरी हुई सांप को डायनोसर ने कहीं दूर फेंक दिया और वो सांप उड़ता हुआ जाकर भीमेश के गले में गिर गया। आया सांप सांप करके डर के चिल्लाते हुए चक्कर काके नीचे गिर पड़ा। और उसे बचाने वाले डायनोसर छोटू की रामेश्वर ने बहुत तारीफ की। एक बड़ा सा अंडा। एक गांव में रामेश्वर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला इंसान था। उसके पास जितना है उतने में ही सामने वालों की मदद करता था। रामेश्वर हर रोज जंगल जाते हुए लकड़ियां काट के लाकर उन्हें बेचकर खुशी से जीता था। रामेश्वर के घर के पड़ोस में ही भीमेश रहता था। वह बहुत ही कंजूस आदमी था, कभी किसी की भी मदद नहीं करता था और तो और सामने वालों को देखकर बहुत ही जलता था। एक दिन रामेश्वर लकड़ियों के लिए जंगल में गया और सूखे हुए ढालों को उसकी कुल्हाड़ी से मारने लगा। उसे वही थोड़ी दूर में एक बड़ा सा अंडा दिखा। उसे देख वह चौंक गया और बोला, ये अंडा क्यों इतना बड़ा है? इस जंगल में मैंने अब तक ऐसा अंडा नहीं देखा। ऊपर से इधर पास में कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है। इसे ऐसे ही छोड़ा तो अंदर के बच्चे को खतरा हो सकता है। मैं इसे अपने साथ ले जाकर ध्यान रखूंगा। बोलते हुए रामेश्वर उस अंडे को लेकर अपनी पीठ पर रख के चलने लगा। ऐसे रामेश्वर को अंडा लाते हुए भीमेश देखकर बोलने लगा, अरे ये रामेश्वर अंडे के आकार में कुछ बड़ी चीज लाया। जंगल में इसे बहुत मिलते हैं करके मैंने लोगों से सुना था। अगर ये सच होगा तो आसपास के गांव में रामेश्वर से ज्यादा और कोई अमीर हो ही नहीं सकता। ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे उसे आज रात को ही चोरी करनी होगी। यह सब सोचते हुए चोरी करने के लिए तरह तरह के चाल सोचने लगा। रात होते ही बिना आवाज के रामेश्वर के घर में घुसा और उस समय रामेश्वर पलंग पे गहरी नींद में सो रहा था और उस पलंग के बाजू में ही वो बड़ा सा अंडा था। ये तो अच्छी मौका है मेरे लिए। बोलते हुए अंडे को मेहनत से पीठ पर रखकर धीमे से अपने घर ले गया भीमेश और कहा,
बहुत ही ज्यादा बड़ा अंडा। अगर इसे उबाल कर खाऊंगा तो पूरे एक महीने तक खा सकूंगा। लेकिन मुझे तो उबले हुए अंडे से ज्यादा ऑमलेट पसंद है। और तभी वो अंडा अचानक से उसके पीछे गोल गोल घूम रहा था और एकदम से रफ्तार से घूमने लगा। उसके ऐसे घूमते रहने से बीमेश को चक्कर आने लगे। अरे देख तू ना, मुर्गी का अंडा है या गधे का, मुझे तो पता नहीं, अभी तोड़कर खा लूंगा। ऐसे गुस्से में अंडे को काट के खाने के लिए हथौड़ा निकाला। फिर अंडे ने बीमेश को इधर उधर भगाया। आखिर में अंडा उस पर सारी तरफ से हमला करने लगा। ऐसे उसे बहुत चोट पहुँचे। फिर से अंडा ऐसे ही गटरते जाते हुए रामेश्वर के घर चली गई। और बेचारा बीमेश तो अंडे के दिए हुए घावों से रोते हुए बैठ गया। असली चोर कौन? अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार में मदद के लिए एक काम वाले को रख लिया। मालिक का हर काम करते हुए उस काम वाले ने भरोसा कमा लिया। ऐसे एक दिन उस व्यापारी को काम से शहर जाना पड़ा। इससे व्यापार की जिम्मेदारी उस भरोसेमंद काम वाले को सौंप कर वह शहर जाने लगा। अपने मालिक के जाते ही तुरंत वह काम वाले ने घर के सारे धन जेवर और पैसों को पोटली में बांधकर भाग गया। फिर शहर से लौटने वाले व्यापारी घर खुला देख चौंक गया। यह काम उस काम वाले का ही होगा सोचकर सारे जगहों में ढूंढने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के बाद शहर जाने वाले व्यापारी को बाजार में घूमता हुआ काम वाला दिखा। उस काम वाले ने भी अपने मालिक को देखा और वहाँ से बच के निकलना मुश्किल है समझकर तुरंत उस व्यापारी को कस के पकड़ लिया। आखिरकार तू इतने समय बाद मिल ही गया ना, अब कहाँ भागेगा रे? चोरी करेगा तो मैं चुपचाप छोड़ेगा सोचे क्या? शराफत से अपुन के पैसे और जेवर वापस दे दे, बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इससे व्यापारी अचानक चौंक गया और कहा, मैं चोरी क्यों करूंगा? अगर तूने तुरंत मेरे पैसे और जेवर नहीं दिए तो राज्य के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। मेरे धन को चोरी करके मुझे ही सैनिकों के हवाले करने के धमकी देता है रे? बोलते हुए काम वाला उस पर छेड़ रहा था। ऐसे व्यापारी और काम वाले के झगड़ा करने पर बाजार के सारे बड़े वहाँ उन्हें घेरे। लेकिन उन दोनों में कौन चोर है और कौन मालिक पता नहीं चल रहा था। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए महाराजा जी अकबर के दरबार में ले गए। सभा में सारे बड़े उपस्थित थे। अकबर और बीरबल के सामने उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैं एक व्यापारी हूँ, ये मेरे पास काम करता था। एक दिन मुझे शहर जाना पड़ा तो मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी इसे सौंप कर गया। मेरे वापस आने तक इसने मेरे पैसे और जेवरों को चोरी करके भाग गया। फिर से अभी दिखा, मुझे मेरे धन को वापस दिलाओ महाराज, मालिक ने कहा। फिर काम वाले ने कहा, महाराजा जी को मेरा प्रणाम। ये सच को छुपा कर उल्टा सीधा कह रहा है, यही तो मेरे पास काम करता था। मेरे घर में ना होते समय अच्छा सा मौका देख मेरे पैसे और जेवरों को चोरी कर लिया। अब मैंने इसे पकड़ कर पूछा तो मुझे ही चोर बना रहा है। मेरे धन को मुझे वापस दिलाओ महाराज, बोलकर काम वाले ने भाते बनाए। सभा में सबको दोनों की बात सही लगी। यदि अगर अभी इंसाफ गलत हुआ तो एक ही व्यक्ति का दो बार नुकसान होगा। लेकिन इनमें से असल में चोरी किसने की करके सारे सोच में पड़ गए। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाकर दोनों को ले जाकर फांसी के फंदे के पास खड़ा करने को कहा। फिर उन दोनों का सिर फंदे में रखवाया। अब मेरे कहे हुए काम वाले का सिर काट डालो, करके बीरबल के बोलते ही तुरंत सच्चा काम वाला डर से अपने सिर को निकाल दिया। इस तरह चोर की चोरी पकड़ी गई।
उससे पैसे और जेवरों को लेकर व्यापारी को देते हैं। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उस काम वाले को कठिन सजा सुनाया। समय रहते ही चोर की छोड़ी पकड़ने वाले बीरबल की सभी ने तारीफ की। इस कहानी की सीख है कि धोखा किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही।